हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अप्रैल की 15 तारीख है और ये मेरे देखिए फ्लावर कितने अच्छे खिल रहे हैं। ये बल्बस प्लांट है, बल्ब की जो होते हैं ना उनसे उगाए हुए प्लांट हैं। तो आज इनके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम गार्डन में अपने टेरेस गार्डन में छोटे छोटे जो काम होते हैं वो निपटाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। आइए चलिए चलते हैं। ये रैनलिली है, देख रहे हैं आप, ये रैनलिली मैंने अभी निकाली है क्योंकि इसमें पानी डालती थी मॉर्निंग में और शाम तक बिल्कुल ड्राई हो जाता था और इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, काफ़ी क्वांटिटी में। तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो रही थी, मैंने सोचा चलो निकाल के देखती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल रूट बाउंड हो गया है, इसके अंदर चली गई है जो भी मैंने इसमें टुकड़े डाले थे ईंट वगैरह के, वो बिल्कुल रूट के अंदर चले गए हैं। तो अब हम अच्छे से खाद वगैरह डाल के इसे रिपोर्ट कर देंगे। तो अभी भी टाइम है, अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं किसी प्लांट की तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस समय मैंने अभी ग्रो क्या कहते हैं गुलाब की भी की थी रिपोर्टिंग, छोटे पॉट में लगा हुआ था तो मैंने बड़े में किया है शिफ्ट वो, क्योंकि अब मई जून की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपके प्लांट को पानी पूरी तरह से मिल नहीं पाएगा। तो अगर छोटे पॉट में बड़ा प्लांट लगाया है तो उसे आप रिपोर्ट कर दीजिए और बड़े प्लांटर में लगा दीजिए, और बड़ा प्लांटर ना हो तो उसकी इस तरह से रूट प्रूनिंग करके आप उसे लगा सकते हैं। मैं इसकी कुछ ही अलग लगा दूंगी, इस तरह से ये निकाल ली, ये वाइट वाली मेरी रैनलिली है तो इसे मैं कुछ अलग लगा दूंगी और कुछ इसी में शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए हेल्दी बल्ब है, प्लांट भी बहुत अच्छा है, कोई इसमें कमी नहीं आई है, पर वो ये है पानी मुझे काफ़ी देना पड़ता था तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसे निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल रूट बॉन्ड निकली थी और ये कितने मैंने निकाल दिए, बिल्कुल फुल हो गया था, पॉट पूरा भर गया था। तो इस तरह से मैंने कुछ ये निकाल ली हैं और अब हम इसे रिपोर्ट कर देंगे अच्छी सी मिट्टी बना के। मैं यही रीयूज़ कर लूँगी मिट्टी, क्योंकि बल्बस प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि इसे जड़े वगैरह जो है वो नीचे नीचे डालेंगे जिससे कि ये नाइट्रोजन बन जाए, खाद बन जाती है तो अच्छा रहेगा प्लांट के लिए भी। तो मैं इसे ही यूज़ कर लूँगी, मिट्टी ड्राई हो ही जाती है। तो ये अभी मैंने पानी डाला है, मुझे निकालनी थी इसलिए, और कुछ ये मेरी पत्तियाँ हैं सूखी गार्डन की वो मैं भरूंगी इसमें जिससे कि इन्हें न्यूट्रिएंट भी मिलता रहे। तो नीचे मैं इस तरह से ठीकरी रख दूंगी जिससे कि पानी रुके ना, पानी रुकेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, बल्ब रॉट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि खूब ढेर सारे होल हो उसमें, प्लास्टिक के पॉट में खूब ढेर सारे होल होने चाहिए जिससे कि ड्रेन आउट हो जाए पानी, बारिश के सीज़न में दिक्कत हो जाएगी। वरना अभी तो गर्मियों में तो चलो फिर भी चल जाएगा, मगर बारिश के सीज़न में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए मैंने ये जड़े जड़े निकाल के मैं नीचे वाले पोर्शन में डाल दे रही हूँ, ऊपर से मैं मिट्टी और गोबर की खाद मिक्स करके भर दूँगी और कुछ गार्डन का अपना जो मेरा गार्डन वेस्ट है वो भी मैं भरूँगी। तो ये जड़े नीचे डालने के बाद में भर के रख दिया। अब ये देखिए इसमें ये गुलाब है, गुलाब में जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज निकल रही हैं नीचे से, शक्कर ब्रांचेज हैं, उन सबको कट कर दीजिए, वरना ये आपके प्लांट के ग्रोथ को रोक देंगी और सारी एनर्जी ये सक कर लेंगी तो आपके प्लांट को कुछ नहीं मिलेगा, आपका प्लांट बढ़ेगा नहीं, सारा ये जंगली हो जाएगा बुरी तरह से। अब ये देखिए 10-12 ब्रांचे हैं ये, और 10-12 ब्रांचे अगर एक साथ बढ़ जाएँ तो मेन प्लांट है जो जिसके लिए ग्राफ्टेड प्लांट है, जिसके लिए हम खरीद के लेके आए हैं कलर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इनको ज़रूर काटना चाहिए, मेरे कई गुलाब में ये निकल आई हैं क्योंकि खाद वगैरह दिए फरवरी में, तो खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं ये सकर ब्रांचें, तो बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने सोचा चलो कट ही कर दूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इन कामों को निपटाते रहिए धीरे धीरे, कटिंग प्रूनिंग करते रहिएगा अपने प्लांट की, रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। मई जून में मत कीजिएगा क्योंकि मई जून की गर्मी बहुत तेज़ होती है, उस समय नहीं हो पाएगा। तो जो काम निपटाने हैं थोड़े थोड़े करके अभी निपटा लीजिएगा, और इस तरह से करी पत्ता वगैरह के और उनको भी आप खाद वगैरह दे दीजिए अच्छे से, तो आपके करी पत्ता के प्लांट में भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। कैक्टस वगैरह पे भी खाद दीजिएगा अभी, तो उसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। देखिए कितनी ढेर सारी ब्रांचें हैं, है ना। तो इसमें मैंने गोबर की खाद पत्तियाँ वगैरह सब भर के रखी थी, तो उसी का नतीजा है। वैसे ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है पर इतनी ढेर सारी सकर ब्रांची हो गई तो फ्लावरिंग में कमी आ गई है, फ्लावर कम आने लगे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते रहिएगा, जो भी आपको सकर ब्रांच दिखे तो कट कर दीजिएगा। देखिए कितनी हाइट हो गई है वैसे इसकी, और अब फूल थोड़े कम आने लगे हैं, थोड़ा मैं इसे भी सपोर्ट दूंगी इस प्लांट को भी, इसकी ब्रांचें बहुत लंबी लंबी हो गई हैं, कट करके रखना पड़ेगा प्लांट को छोटा करके। तो ये छोटे छोटे से काम है, आप करते रहिएगा। गार्डन में अगर कोई घास है, वीट है, वो सब निकाल दीजिएगा
वरना वो भी आपके प्लांट की ग्रोथ को रोक देती हैं, सारी एनर्जी वही ले लेती हैं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।